आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कीबोर्ड का जो एक बटन है पॉज एंड ब्रेक, ये किस काम आता है। जैसे कि आप यहाँ दो इमेज देख सकते हैं, एक तो बड़ी इमेज है, एक छोटी इमेज है। देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाया है, जो बटन है ये किस काम आता है वो मैं इंफॉर्मेशन आपको इसमें देने चाह रहा हूँ कि आखिर ये बटन आता किस काम के लिए है, पॉज एंड ब्रेक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके टोटल तीन यूज़ है। पहला यूज़ ये है कि जो गेम होते हैं, जो पुराने गेम वो इसी से रुकते थे। अगर हम बात करें कुछ गेम, तो कुछ गेम इस पे जब हम पास बटन दबाते हैं तो वो रुक जाते हैं। कुछ गेम, सभी के नहीं, कुछ गेम। और पुराने गेम होते ना उस समय, जो वो सभी के सभी इससे ही रुकते थे, यानी ये गेम को रोकने के लिए यूज़ आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसका दूसरा यूज़, अगर हम इसको बटन मतलब पास बटन प्लस विंडोज़ बटन एक साथ दबाएंगे तो विंडोज़ की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा विंडोज़ स्टोर कर रखा है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ ये पॉपअप ओपन कर देता है। तीसरा और आखिरी यूज़ ये है, अगर आप कमांड MS कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कमांड यूज़ करते हैं और आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और आपके कुछ कमांड चल रहे हैं, माउस से इनको रोक नहीं सकते। मतलब अगर कुछ लाइन चल रही है तो अगर हम ये पास एंड ब्रेक बटन दबा देंगे ना, तो पास से तो रुक जाएगा और ब्रेक से वापस चालू हो जाएगा। यानी ब्रेक का ये उपयोग है, जैसे पास से रोकेंगे और ब्रेक से ये शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।